किताब में तुम्हारी पढ़ाई के लिए है। तुमने शादी के समय मुझे वचन दिया था ना कि तुम पढ़ोगी, तो बस अब से तुम्हारी पढ़ाई शुरू। पर आस पड़ोस में किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी, लोग थू-थू करेंगे। औरतें घर का काम करते हुए शोभा देती है। बाकी समय संभाल लूंगा, ये मैं बाद में देख लूंगी। अच्छा सुनिए ना, इसका बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। कहा था ना तुमसे कि अस्पताल में जाकर प्रसव करवा लेते हैं, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। पता है ऐसे समय में बच्चे और माँ का अस्पताल में होना कितना जरूरी होता है। नहीं जी, मर्द के हाथों प्रसव कराने में लाज आती है। किसी भी अस्पताल में कोई महिला डॉक्टर ही नहीं है। इसका माथा तो अंगार की तरह कप रहा है। क्या दीदी? दादा जल्दी से राजी को बुलाइए। ये तुम क्या कर रहे हो नंदी? भगवान की बहुत ही नजर। बस आनंदी, ये सब अंधविश्वास होता है। आप यकीन तो कीजिए, इसका बुखार उतर रहा है और माता भी ठंडा पड़ रहा है ना बाबू? देखिए, उठो बाबू, आंखें खोलो, देखो तुम्हारी माँ बुला रही है।
अब चलो गवार। आप मुझे गवार मत बोलिए ना। लगन की बाजी है, चोट की ताजी है, लगा दे दांव पर दिल अगर दिल राजी है। आज शर्म तो बेच खाई है गोपाल राव ने, अपनी बीवी को कौन बढ़ाते हैं भैया। अरे कल को पढ़ी थी, तुम्ही के सर पे नाचेगी ना। कलयुग है भैया, कलयुग के चक्कर में पूरी दुनिया देख लेना, पता लोग में जाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बेहतर। अब चलो अगर ये करना कठिन तो है पर असंभव नहीं।